हेलो गाइस फ्रॉम बीमार हमना। आज हम मेहंदी का मेकअप ट्यूटोरियल करेंगे। तो सबसे पहले मैं हाइड्रेटिंग सिंपल का मॉइस्चराइजर यूज़ कर रही हूँ, जो कि मैंने इतना यूज़ कर लिया ख़त्म होने वाला है। ये बहुत अच्छा है, स्टाइल लोशन एक पेज से लिया था। फिर ये टीवी पार्लर का मैं प्राइमर यूज़ करने लगी हूँ, जिसके साथ पहले मैं खेल लूँ ना घंटा लगा के, आपको सिखाती बाद में हूँ। अपने टी जोन पे लगा लिया, मतलब जहाँ से स्किन ड्राई होती है। उसके बाद फिर मैंने इनका 02 शेड में फाउंडेशन ली, जिसमें मैंने एक सीरम मिक्स किया ताकि ये स्किन ड्राई ना हो, क्योंकि आज की बहुत बड़ी टिप है। फिर हम टिपकने लगा रहे हैं जो कि ख़राब हो गए हैं, और गर्दन पर फिर हमने ऐसे ही मलिया, अंदर खारिश भी कर रहे हैं। ओके हम ना सब कुछ इसी में कर लो तुम। फिर इसको हम ब्लेंड कर लेंगे और देखिए कितनी जबरदस्त फिनिशिंग आई है आज। और साथ हेलो गाइस कॉफी पी लो। फिर ये टीवी पार्लर का कंसीलर लेके हमने लगाया, ये इतना सस्ता और इतना रीजनेबल है और बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी कवरेज है। और खैर आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि एक तो वॉइस ओवर करते हुए मुझे इतना सांस चढ़ता है जिंदगी में कि मुझे इतना वर्जिश करके नहीं चढ़ता। फिर मैं बड़ा पोज मार के आपको इनका ये दिखाने लगी थी फेस पाउडर, जो कि खुला नहीं, और जब खुला तो धड़म गिर गया। मतलब होता है, चलता है, दुनिया है हम ना। अच्छा ये पाउडर हम लोगों ने अपने अंडर आईज पे लगाया, और जहाँ पे से हम बेक करते हैं फेकेस क्या होता है फेस, वहाँ पे लगाया। उसके बाद हमने इसको ब्रश आउट कर दिया। ये शो स्टॉपर इनका पैलेट है, और ये मैं आपको हर एंगल में दिखाऊंगी, जैसे पठान आपको सूट खोल खोल के दिखाते हैं ना, इसी पैलेट में से मैंने एक ब्राउन शेड पर करके अपना कॉन्टोर किया ऊपर की तरफ, ताकि हमारा मुंह चिपा आए, पतला आए, मतलब मोटा ना आए। ये देखिए जी, हमारी चीक बोन्स ऊपर की तरफ चली गई हैं इस कॉन्टोर के बाद, एंड वी लुक स्मार्ट है ना। सो अब हम इसको नीचे से भी कॉन्टोर कर लेंगे अपनी जॉ लाइन को, और हमारा मुँह बिल्कुल स्मार्ट ही हो जाएगा। इसी पैलेट में से मैं एक ब्लश ऑन शेड लूँगी, और वो अपना इतनी ज़बान क्यों मैं निकालती हूँ, खैर ये लगाएंगे। और पीछे से वो मेरे घर वाले भी निकल रहे होते हैं अंदर ही, मतलब सारी खिचड़ी अंदर ही पकी हुई है। मैंने सन किस स्टाइल में अपना फेवरेट ब्लश ऑन लगाया, फिर इसी पैलेट से एक शेड लेके हमने अपने फेस को हाईलाइट कर लिया। इससे हमें मिलता है बिल्कुल चमचमाता चेहरा। इतनी यूज़फुल पैलेट है कि मैंने इसी के अंदर से एक ब्राउन शेड लिया और उससे अपने आईब्रोज भी बना लिए। मतलब मैं अच्छी लड़की हूँ ना, मैं सस्ते में आपको फारिग होने वाले काम बता देती हूँ। अच्छा दुल्हन तो मैं अभी बनने लगी हूँ, लेकिन मुझे याद आया आईब्रोज मेरे हुए नहीं हुए, तो मैंने कंसीलर पकड़ा और उससे मैंने ये जो नीचे ऊपर गंदे गंदे बाल थे छुपा लिया उनको उसके साथ, और ब्लेंड कर लिया। अच्छा जी अब आ गई आई मेकअप की बारी। तो हम लोगों ने दो न्यूट्रल शेड लिए इस पैलेट में से, और इसको अपनी क्रीज पर लगा लिया। ये थोड़े ऑरेंज ब्राउन टाइप है। उसके बाद इनका ये वाला जो पोर्शन है ना पैलेट का, ये मुझे सबसे अच्छा लगा, क्योंकि इसके शेड्स जो होते हैं ऑलरेडी डुअल से होते हैं। सो ये मैंने एक नीचे ग्रीन शेड लगा के ऊपर ब्लैक के साइज के कॉर्नर्स बना लिए। ब्लेंडिंग गेम बड़ी स्ट्रॉन्ग रखनी है, जैसे हम लोग ससुराल में नए जाते हैं उनमें ब्लेंड होते हैं ना, उस तरह ब्लेंड होते हैं। अच्छा फिर इनका ग्लिटर पैलेट मैंने लिया, उसमें से मैंने गोल्डन शेड लिया जो कि बहुत पिगमेंटेड है, और इसको हमने अपने सेंटर में लगा लिया। और अभी आपको समझाया ना ब्लेंडिंग गेम स्ट्रॉन्ग रखनी है। उसके बाद हम लोगों ने शैम्पेन इनका शिमर लिया, और ये मैंने अपने ब्राउ बोन और इनर कॉर्नर में लगाया जबान। मेरी शक्लों अजीबो गरीब निकलती हैं एक तो, खैर फिर ये मैंने वाइट आई पेंसिल भी लगा ली, एंड मुझे यहाँ दौरा पड़ेगा, मुझे याद आएगा कि मैंने लेंस फिर नहीं लगाया आज, मतलब मारो मुझे मारो। अब यहाँ कुदरत का खेल देखिएगा कि मैं जिस लेंस के लगा रही हूँ मेकअप वाले पे, उधर लगने में भी 10 घंटे लगे, परेशानी वाले आलम में पानी भी बहुत निकला, और अब मैं जब इसको दूसरी आंख पे लगाऊंगी ना जिस पे मेकअप नहीं किया हुआ, उस पे एक ही गो में लग गए, मतलब करिश्मा हो गया। अच्छा टीवी पार्लर वालों के ना ग्लिटर आईलाइनर्स भी हैं डिफरेंट कलर्स में और मैट भी, तो मैंने ब्लैक वाला लेके ये लगा लिया, और मैंने ऑफ कैमरा दूसरी आंख की, और ये मैंने स्किन केयर वाला पोज अपना यहाँ पे सिग्नेचर मार दिया, जो कि नहीं मारना बनता था। फिर इनकी ऑरेंज पेंसिल से मैंने अपने लिप्स की आउटलाइनिंग की, और सोचे अभी एंड पे अगर इस तरह मैं निकल जाऊँ बाहर तो क्या हो। इनके लिपस्टिक पैलेट की तो मैं बहुत बड़ी फ़ैन हो गई हूँ, ये इतने बटरी इतने क्रीमी हैं के मज़ा आ गया इनको लगा के। और ये मैंने पिंक वाला लगा के ना इसके अंदर सेंटर में मैंने रेड वाला लगाया, सो इट गिव्स अ डेप्थ टू माय लिप्स। ठीक है अच्छा पीछे से ये मोटरसाइकिल्स वगैरह की आवाज़ इग्नोर करें, आपको भी लग रहा होगा फुटपाथ पे बैठ के वॉइस ओवर कर रही हूँ। मुझे ये इनका आईलैश कलर इतना क्यूट लगा कि मैंने फिर भी डर डर के मुँह खोल के ज़िंदगी में पहली दफ़ा इसको यूज़ कर ही लिया। फिर जी मैंने इनका ये मस्कारा लिया, इसका वॉन्ड आप देख लें, और ये मैंने लगाया, पहली दफ़ा मैंने अच्छी शक्लें बनाई हैं मस्कारा लगाते हुए है ना, लेकिन नीचे के अभी भी वही हालात हैं। मतलब हमने जैसे तैसे लगा लिया, और जी इसके बाद हम आई लैशेज लगाएंगे। ये भी ज़िंदगी में मोजा हुआ है कि बड़ी जल्दी से लग गई हैं, देखिए ऊपर मैंने रखी ग्लू लगी हुई थी और ये स्टिक हो गई। मेकअप हमारा हो गया, इस पर हम ये टीवी पार्लर का सेटिंग स्प्रे लगाएंगे जो कि मुझे बहुत ज़बरदस्त लगा। और जी अब छन और हमारे ज्वेलरी आ गई, मैंने छन क्यों बोला, मतलब
मैं अपनी तरह से कोई वॉइस डाल रही थी। स्क्रीन के आगे दुपट्टा किया तो हमारे कपड़े भी दस्ती आ गए। इससे ज़िंदगी में कपड़े बदले जाए तो क्या ही बात है। वी आर ऑल सेट टू बिकम दुल्हन, तो हम ज़रा ये टिक्का शिक्का और ये झूमर शूमर लगाएंगे जो दुल्हनें लगाती हैं। एंड जी थोड़े पोस्टर्स मारें बिकॉज यू आर रेडी। दुपट्टा सेट करने में 10 घंटे लगे हमें। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि दुपट्टा कैसे लेती हैं दुल्हनें, कौन सा मैं दुल्हन हूँ भाई। इसलिए फिर इस कन्फ्यूजन में हमने 2-3 तरह से इसको लेके हर तरह से पोज मारा कि कहीं से तो कोई लुक निकलेगी ना दुल्हन वाली। और फिर चूड़ियाँ हमारी रह गई थी, बड़ी प्यारी चूड़ियाँ लगी मुझे, दीज आर सो लाइट वेट। इनका भी पेज मैं टैग कर दूँगी। बाकी अब आप जाएँ थोड़े पोज मार के अपने दूल्हे को ढूँढें, क्योंकि मेरे पास तो मेरा नहीं है, आप बता दें कोई।